अस्सलाम वालेकुम कैसे हो आप सब वलमदिल्ला मैं एकदम ठीक उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे तो जी इसका जो फेस रिविल का वीडियो है इसके अंदर बहुत सारी बातें बहुत सारे पॉइंट है जो इसका झूठ को पकड़ते हैं और बहुत सारी इसकी पोल पट्टियाँ भी खुलेंगी तो वीडियो में एंड तक के ज़रूर बने रहिएगा सबसे पहले बात करते हैं फेस रिविल की के इसने बोली कि मैं वीडियो नहीं बना रही थी तबीयत मेरी भी ठीक नहीं मुस्तफ़ा की भी ठीक नहीं है तो वीडियो मैं बना नहीं रही थी हालांकि इसने क्या बोली कि मैं दूसरे ही दिन आ, मुझे गंचू ने बोला कि वीडियो बनाओ अब कोई ये तो नहीं सोचेगा ना कि ये वीडियो अभी मुस्तफ़ा के अच्छे होने के बाद की है कोई ये तो सोचेगा ही नहीं क्योंकि इस वीडियो में फेस रिवील में वहाँ पे बाबर भी है और बाबर वहाँ पे इतने दिन रुका नहीं है, है ना तो ये बात तो कोई नहीं बोलेगा ये डायरेक्ट मलिका वाले दूसरे दिन की वीडियो बता रही है कि दूसरे ही दिन की वीडियो है तो ये फेस रिवील वाला जो ये इसका ड्रामा है ना वो मलिका वाला वीडियो ख़त्म हुआ और फेस रिवील वाला जल्दी जल्दी कपड़े वपड़े चेंज करके ड्रामा शुरू हुआ है खैर उसके लिए तो मैं आगे बात करती हूँ सारी कुछ बातें आप लोगों को क्लियर करके बताती हूँ सबसे पहले तो इसने ये बात जो बोली है ना कि मेरे हस्बैंड ने बोले कि वीडियो बनाओ फेस रिवील कर लो हमें निकलना है फिर वहाँ पर लोग वीडियो बनाएंगे लोग फेस रिवील कर देंगे इससे अच्छा है कि तुम फेस रिवील करो फिर सब जने वीडियो डालेंगे हम मना नहीं कर सकते किसी को तो हाँ बिल्कुल के तुम्हारा कंटेंट है तुमने बड़े पैसे लगाए हैं ये कंटेंट के लिए तुमने बड़ा टाइम दिया है ये कंटेंट के लिए तो कोई और क्यों ये कंटेंट चुरा ले है ना तो इसके लिए फेस रिवील करना तो तुम्हारा बनता है है ना तो शर्म नहीं आई है औरत को ये बोलते हुए जबकि वहाँ पे ऐसा कोई मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई ब्लॉगर है हाँ उसके भाई को व्यूज ना आ जाए बच्चे का फेस रिवील करके जबकि अगर इन लोग बोलेंगे तो उन लोग वीडियो डालते हैं फेस रिवील करते हैं इन लोग मना करेंगे तो लोग कौशर को तब के वीडियो में नहीं लेते हैं

तो कौन लेंगा तो पिटारा ये बात तो तूने ना यहाँ पे सरासर झूठ बोली है ये क्यों नहीं बोलती के अब कौशर को भगा दिए तूने अब तेरे इरादा नहीं है कि कौशर दूसरी बार आए और ये जो बच्चा था जो तेरा कंटेंट बना हुआ था इतने महीनों से तो इसका फेस रिवील तो तेरे को ही करना है है ना तेरा कंटेंट था वो तो जैसे तूने और लोगों का फेस रिवील की जैसे तमन्ना का की जैसे तूने फातिमा का फेस रिविल की और भी बहुत सारी तूने हरकतें जो की है डॉलर के लिए जैसे कि लोगों की बच्चों की शादी का पूरा पूरा कंटेंट बनाना उनके जो शौक थे उनके जो सपने थे उन पर पूरा पूरा खुद ही कंटेंट बना के उनके सपनों को चकनाचूर करना ये सारा कुछ तूने जैसे कि की थी तो क्या ये कंटेंट तू किसी और को करने के लिए देंगी नहीं भाई नहीं तू कितनी लालची है तू कितनी पैसे की भूखी औरत है ना वो हमें अच्छे से पता है तेरी तबीयत ठीक नहीं है लेकिन हाँ फेस रिवील तुझे ही करना है वो बच्चे का ना छट्टी हुआ ना छिल्ला हुआ कुछ चीज़ में इसने कोई फंक्शन नहीं रखी कुछ नहीं रखी लेकिन खुद का कॉन्टेंट बनाना था फेस रिवील का तो इसने दिखाई कि हमने घर सजाए भाई तूने घर तेरे लिए सजाई थी कौशर के लिए नहीं चार छः बलून फुला लेने से तू ये नहीं जता सकती कि मैंने कौसर के बच्चे के लिए की दिखावा करना तेरे अंदर इतना ज़्यादा है पता नहीं तूने उसके बच्चे के नाम से उसके नाम से कितने करोड़ों रुपए कमा ली होंगी यहाँ पे आके तूने बिल्कुल भी जिक्र नहीं की कि मैंने कौसर के नाम पे उसके बच्चे के नाम पे उनका कंटेंट बना बना के उनको दिखा दिखा के उनके थंबनेल टाइटल लगा लगा के उनको गालियाँ खिला खिला के कितने कमाई वो तूने आके नहीं बोली लेकिन हाँ तूने एक छोटी सी अंगूठी दे दी पता नहीं आधे ग्राम की होगी शायद वो तूने बराबर आके वीडियो में दिखा दी कि देखो भाई मैं तो बहुत अच्छी हूँ तो तूने यहाँ पे अपना अच्छापन तो बहुत अच्छे से दिखा दी लेकिन ये बताना जो इसके थूके हुए सपोर्टर हैं जो अभी भी चाट रहे हैं तुम लोग तो इसको कौसर से इंसाफ दिलाने के लिए आए थे और फिर तुम लोग आज भी इंसाफ़ दिलाने बैठे रहते हो कि कौसर तो चढ़ेली है तो ये तो वो है तो कौसर इतनी बुरी है इसके साथ इतना बुरा सुलूक करती है तो फिर तुम लोग किस चीज़ का ये जब इतना घुस रही है उसको सोने की अंगूठी वगैरह दे रही है दिखावा करके तो फिर तुम लोग किस चीज़ का उसको इंसाफ दिलाना चाहते हो वो तो खुश है अपनी कौसर सौतन के साथ में उसके बच्चे को सोना ले लेके दे रही है तो तुम लोग किस चीज़ के लिए इतने टाइम तलक के कौसर को कोसते रहे उसको गालियां देते रहे उसको इतनी बदवाएँ देते रहे पहले बच्चे के टाइम पे उसका जीना हराम कर दिए ये नहीं सोचे कि वो औरत प्रेग्नेंट है इतना सारा कुछ तुम लोगों ने किए थे इसको इंसाफ दिलाने के लिए सौतन से और सौतन के साथ में तो ये बड़ी अच्छी है तो तुम लोगों के ऊपर तो यहाँ पे इसने कालक पोस दी बाकी इसने अपने वीडियो में आ, ये चीज को मेंशन की और यही चीज इसकी एक सूखी हुई सपोर्टर ने अपने वीडियो में मेंशन की और साफ नजर आ रहा है कि प्री प्लैंड ये सारा कुछ हुआ है इसको स्क्रिप्ट इस दी गई है वो जो पीछे से इसको जेड बोली थी ना वो औरत को इसने अपने वीडियो में बोली कि मलिका को आप लोगों ने क्या खिला दिए जो मलिका की तबीयत खराब हो गई वो औरत अपने वीडियो में बैठ के बोलती है कि कमेंट आया था कि पीतल के बर्तन में खाना वाना खाने से तबीयत खराब होती है जहर का असर करता है पीतल के बर्तन में खाना लेकिन उसने अपनी तरफ से एक बात लगाई कि के, के यहाँ से भी हलवा आया था समझ रहे हो आप लोग, मतलब के ये लोग जताना चाहते पिटारा भी और इसकी वो थूकी हुई सपोर्टर भी के मतलब के कौसर ने कुछ करके कुछ डाल के इसको और इसके बच्चों को हलवा खिला दी सोचो किस तरह के लोग का जहन है किस तरह से लोग किसी को भी बदनाम करते हैं किस तरह से ये सारी कुछ हरकत है जबकि अगर के सच में बीमार हुए भी थे और खाने पीने के वजह से हुए थे तो बाहर का खाना जंक फूड खाना और इतनी गंदगी इसके किचन में इसके घर में होती है और बिल्कुल भी बच्चों का इसको ख्याल नहीं होता है बच्चे बाहर थे बिरयानी ला रहे हैं पिज्जा ला रहे पता नहीं क्या क्या ला ला के खा रहे हैं इसको कोई होश नहीं होता है वो सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया गया ये बात को मेंशन किया गया कि कौसर के यहाँ हलवा आया था मतलब कि कौसर ने हलवे में जहर डाल के इसको भिजा दी थी बताओ कितनी ज्यादा इनकी गंदी सोच है और कितने गिरे हुए लोग हैं और इन लोग बोलते हैं कि इन लोगों ने थूक दिए है इसीलिए मैं बोली ना कि पिटारा को कोई जेड बोले या कोई कुछ भी बोले पिटारा को नहीं फर्क पड़ता भाई किटारा को पहले भी इसके सपोर्टरों ने बड़ा ही जेड वगैरह बोले है गंदी औरत बोले है किसी के भी नीचे सो जाती है कपड़े फटे रहते हैं इसके बच्चों के सर में जू है तो ये जेड औरत है तो जीजा की दीवानी है जीजा के साथ सोती है आदमियों के साथ में इसके गलत ताल्लुक है ये सारी चीजें पहले भी इसके सपोर्टरों ने बोले है और ये चीज किटारा को बहुत अच्छे से पता थी तो इसने कभी रिएक्ट नहीं की अब जाके रिएक्ट क्यों की ये सारा कुछ प्री प्लान था अपनी सिस्टर को बेवकूफ़ बनाने के लिए

मेंशन कर रहे कि हलवा आया था मेन्स के उसने कुछ डाल के दिए तो ये हौड़ी खाती क्यों है ना? ये तो किसी के भी घर का खा लेती है कहीं से भी बस फ्री का आना चाहिए ये तो ठूस लेती है जब इतना ही इसकी जान को खतरा है लोग इतने ही दुश्मन है तो नहीं खाना चाहिए ना फ्री का खाने को भी चाहिए सामने वाले को बदनाम भी करने को चाहिए तो थोड़ी सी शर्म कर लो तो यहाँ पे लोग क्या मेंशन करना चाहते हैं कि मुस्तफ़ा की जो जान को खतरा हुआ था मुस्तफ़ा जो हॉस्पिटल पहुंचा था वो कौसर ने पहुंचाई थी देख लो कि कितना इनका गंदा ध्यान आए कितनी गंदी बातें कितनी गंदी सोच और कैसे गंदे इल्जाम लगाते हैं दूसरों पे पिटारा का तो हमेशा से यही फंडा है ना जब भी वो उससे उसको भेजेंगी ना तो उसको गंदा करके ही भेजती है कुछ ना कुछ इल्जाम लगा के ही भेजती है पिछली बार भी झगड़े का बोल के भेजी थी उसके पिछली बार भी झगड़े का बोल के मुझे समझ में नहीं आता है कि औरत कब सुधरेंगी इतनी गंदी औरत है ना ये यहाँ से ये बात साबित होती है कि कौशर बहुत अच्छी है अगर इतनी बुरी रहती ना तो वो खुद के ऊपर खुद के बच्चे के ऊपर ना डॉलर नहीं छापने देती फेस रिवील तो कभी नहीं करने देती वो हंसी खुशी वो फेस रिवील करने दे रही थी और उसको अच्छे से पता है कि ये सारे वीडियो थे ये करोड़ों रुपए कमा रही है लाखों रुपए कमा रही है याशी कर रही है लेकिन उसने नहीं रोकी और ये लोग क्या जता रहे कि उसने हॉस्पिटल पहुंचा दी लक दी लानत तुम लोगों के ऊपर साफ सफाई का ध्यान नहीं बच्चों को नहलाने धुलाने का ध्यान नहीं बच्चों के कपड़े चेंज करने का ध्यान नहीं खुद की अयाशियों में बिजी रहती है और फिर नाम डाल रहे दूसरों के ऊपर आप लोग देख लो दोनों वीडियो के अंदर वो लड़के ने वही टी शर्ट पहना हुआ है वही कपड़े में अरे भाई थोड़ा साफ सफाई का ही ध्यान रख लो और ये पीतल के बर्तन वाला मुझे नहीं समझ आया हाँ नहीं बनाते हैं ये मैंने भी सुनी हूँ कि अंदर पता नहीं वो काली क्या करे करते है ना फिर उसमें खाना बना सकते है डायरेक्ट पीतल के बर्तन है ना सिर्फ और सिर्फ सजावट के लिए और पानी के लिए मैंने सुनी हूँ अच्छे होते हैं बाकी मुझे इतना गहराई में नहीं पता है आप लोगों को पता होगा तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना और पिटारा बाजी बातों को कितना घुमाती है कि बच्चा अपने नाना नानी से मिलने गया है इससे पहले पहले आ जाएंगे जब से पैदा हुआ है नाना नानी से नहीं मिला है तो नाना नानी से मिलने गया है अरे पिटारा कितना झूठ बोलेंगी सही सही बोलना के तुम लोग घूमने जाने वाले है इसके लिए कौतर से जान छुड़ाने के लिए तुम लोगों ने इसको वहां पे भेज दिए है ये झूठ बोलने की क्या जरूरत है की वो अपने नाना नानी से मिलने के लिए गया है और तू ऐसी सास बने रहती है समझ नहीं आता है कि तू सौतन है या सास है इसकी जब मर्जी आता है बुला लेती है जब मर्जी आता है भगा देती है तू खुद क्यों नहीं चली गई गांव तू खुद भी चली जाती ना तेरे को तो गांव में रहने नहीं होता है क्यों क्योंकि गर्मी बहुत है ऐसी और वो जंगली टर पता नहीं हर एक चीज की तूने सुख सुविधा करके रखी है अगर ठंडी में भी जाती है तो तुम लोगों को वहाँ पे ए टू जेड सुख सुविधा की चीजें चाहिए लेकिन वो बच्चे के लिए तुझे तरस नहीं आया कि इतनी गर्मी में वो बच्चा वहाँ पे कैसे रहेगा तो यहीं से पता चलता है ना कि तू कितना माँ वाला दिल रखती है उसके लिए और कितना झूठ बोलती है तू एक बात तो मानना ही पड़ेगा कि जितना दिमाग पिटारा के अंदर है जितनी वो बातें घुमाती है जितनी वो क्लीपें इधर से उधर करती है जितना वो लोगों को बेवकूफ़ बनाती है लोगों से अपने खानदान वालों से कैसे कैसे झूठ बुलवाती है कैसे कैसे काम करती है ये सारी बातें देखने वाली है अब इसने जो वीडियो डाली है फेस रिविल का इसके अंदर इसने इतना सारा यहाँ वहाँ क्लीपें की है इतना सारा झूठ बोली है और बहुत सारी बातों को छुपाने की कोशिश की है जैसे कि Uh, मैंने जो बातें की थी ना वो बातें ना इसके वीडियो से सच्ची साबित हो रही है कि वो बातें हुई है जो मैंने बताई थी uh, तभी तो इसने इतनी तर, इतनी सारी चीज़ें छुपाई इतना सारा झूठ बोला गया बहुत सारी चीजें हाइड की गई है और जो फेस रिविल का वीडियो बना है ना वो जहां तलक है तो वही दिन बना है वीडियो जैसे कि इसने बोली कि अगले दिन वीडियो बना है इसमें कहीं से भी नहीं नजर आ रहा था कि अगले दिन वीडियो बनाए इसका वीडियो बंद होते ही फिर इन लोगों ने फेस रिवील वाला ड्रामा वही रात को कर लिए मतलब के सारा कुछ वही दिन हुआ है और फिर अगले दिन ही ऐसा कुछ हो गया इसने रात को गोंचू को भेजी और फिर बाद में वो वाला सीन हो गया उसके बाद में गोंचू को वापस बुला ली आएंगी ये सारा कुछ साफ नज़र आ रहा है ज़ाहिर सी बात है अब वो गोंचू को भी भेजने का ड्रामा तो दिखाई थी गोंचू गया नहीं गया वो तो हमें नहीं पता ना क्योंकि देखो यहाँ पे एक प्रूफ तो बाबर की वीडियो से ही साबित होता है जैसे कि इसने ये शो की है कि बाबर इनके घर में दो रात रुका है तो वहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि बाबर की वीडियो से देखोगे तो बाबर की वीडियो से नज़र आ रहा है कि वो सिर्फ़ एक रात वहाँ पे रुका है और इसकी वीडियो में बाबर देखने मिला जब ये मलिका बनी हुई थी वहाँ पर वो नज़र आया फिर इसने बोली कि दूसरे दिन हमने फेस रिवील किए और बाबर की वीडियो में जिस तरह से बाबर ने दिखाया है तो सिर्फ एक रात का स्टे उसने दिखाया है तो फिर दूसरे दिन वीडियो कैसे बनी फेस रिविल की एक तो ये पॉइंट है दूसरा घोंचू ने कहीं पे भी ऐसा नहीं दिखाया कि हाँ हम इस्लामाबाद से निकल गए हैं हम इतनी दूर पहुंच गए उतनी दूर पहुंच गए कहीं पे भी नहीं सिर्फ़ और सिर्फ निकलने की तैयारी बताई गई है फेस रिवील का बताया गया है अब आप लोगों को पता ही है कि यह औरत है ना स्टेशन पे जाती है दोनों मियाँ बीवी सामान लेके स्टेशन जाते हैं वहाँ वहाँ पे जाके वीडियो बनाते हैं फिर दोनों ही वापस भी आ जाते हैं वो गाड़ी चलती है फिर वो अगले स्टेशन पे उतरता है रिक्शा वगैरह करके वापस आ जाता है जब इन लोग इतना बड़ा बड़ा ड्रामा कर सकते हैं इतना झूठ दिखा सकते हैं तो ये तो फिर बहुत नॉर्मल सी बात थी बहुत नॉर्मल सा झूठ था बाकी आप लोग देखो वो रमजान के कपड़े देखो उससे भी पता चलेगा कि ये एक ही दिन का ब्लॉग है दोनों के दोनों ब्लॉग है ना एक ही दिन में बनाए गए हैं पहले मलिका वाला ब्लॉग बना कपड़े वपड़े चेंज किए सब ने कोई कोई ऐसा था जो कपड़े नहीं चेंज किया और उसके वजह से आ, ये पकड़े भी गई है कि सेम दिन का ब्लॉग है आप लोग रमज़ान के कपड़े देख लो मुस्तफ़ा के कपड़े देख लो तो ये सारी चीज़ों से और भी लोगों के कपड़े सेम थे जो उसने आ, मलिका वाला ब्लॉग बनाई ना वही वाला कपड़ा है उनके चें मतलब चेंज नहीं हुए थे अब इतना गंदा इतनी गर्मी में और कोई तो नहीं हो सकता है ना कि किसी ने भी कपड़े नहीं चेंज किया तो ये चीज भी थी जो प्रूफ थी कि सेम दिन ब्लॉग बनाई इसने इसने अपने वीडियो में ये बोली कि आज मुझे सब जने ना कल हमने ब्लॉग बनाया था मल्लिका वाला तो आज है ना सब जने सुबह से ना मुझे मल्लिका मलिका बोल रहे अच्छा सुबह से बोल रहे है तो फिर सुबह से वीडियो क्यों नहीं बनाई सिर्फ और सिर्फ फेस रिविल का कॉन्टेंट बनाई और अगर बनाई भी तो चलो शाम को छः सात आठ बजे भी शुरू करती तो बारह बजे तक के खत्म हो जाता तेरा ये ड्रामा लेकिन सुबह के पांच बज गए कैसे क्योंकि दस उस बजे तक के तेरे मलिका वाला ड्रामा खत्म हुआ बारह बजे फिर तूने ये वाला ड्रामा शुरू की ग्यारह बारह बजे फिर ये ड्रामा ख़त्म हुए तक के सुबह हो गई तो ये सारी चीज़ें प्रूफ है पिटारा के सेम दिन का वीडियो था और तूने ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाई और कांड जो हुआ है ना वो तू अभी भी छुपा रही है यहाँ की क्लिप वहाँ वहाँ की क्लिप वहाँ वहाँ की क्लिप वहाँ डाल डाल के तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है सच्चाई छुपाने की कोशिश कर रही है लेकिन इतना याद रखना कि कोई भी सच छुपता नहीं है कोई भी सच नहीं छुपता है तो सारा कुछ जो तेरा गंध है सारा तेरा सच है ना वो एक ना एक दिन सामने जरूर आएंगे इसने बोली कि कल बनाए थे मलिका वाला ठीक है ये बोल के इसने ये वाला वीडियो में बार बार मेंशन की हम दूसरे दिन फेस रिवील वाला वीडियो बना रहे लेकिन जितनी भी चीजें थी ना वो वहीं के वहीं पड़ी थी जैसे कि वो तलवार और जो भी कॉस्ट्यूम ये वो सब के सब वहीं पड़े हुए थे इसके बेड पे वो सारे पसारे वैसे ही पड़े थे जो ये मलिका बनने के लिए तैयार हो रही थी तो फिर इतना झूठ बोलने की क्या जरूरत है पिटारा अब यहाँ से आप लोग ये बात को भी थोड़ा सा गौर करना कि कल न जो झाड़ू वाली चुड़ैल ने वीडियो बनाई उसके अंदर उसने बताई कि गांचू है ना यहाँ पे है कौशर को लेके आया हुआ है मतलब के कंडे का वीडियो था इसका जिसमें गोचू इन लोग गए हुए इसके बाद में इसका बेटा एडमिट हुआ और कल दिन था जुमेरात या भूत की वीडियो थी वो मतलब के वैडनेस डे का वीडियो था जो इसने कल डाली थी तो मतलब के बेटा बीमार हो के एडमिट हो गया और गोंचू उधर ही बैठा हुआ है लगता है आप लोगों को कि गोंचू बैठे रहेगा गोंचू तो फौरन वापस आ गया होगा जैसे ही पता चला होगा कि इसका बेटा एडमिट हुआ है वो तो वही दिन वापिस आ गया होगा तो फिर नजो झाड़ू वाली चुड़ैल ने ये बोली इसका मतलब है कि वो दिन वो गया ही नहीं है वो गया ही कल परसों है जो कि नजो झाड़ू वाली चुड़ैल ने मेंशन की अपने वीडियो में कि वो यहाँ पे आया हुआ है गोचू कौसर को लेके दूसरा उसने ये भी बोली कि आज पिटारा का वीडियो आएगा मतलब उसको कैसे पता चला कि आज पिटारा का वीडियो आएगा सारा कुछ प्री प्लान हुआ है ना फ़ोन पे ये बात बताई गई है वो क्लिप में डालूंगी आप लोग जाके देखना ना जो झाड़ू वाली चुड़ैल का वो क्लिप मैं डालती हूँ यही चैनल पे चाहिए तो मैं डाल दूंगी आप लोग देख लेना कि उसको कैसे पता चली ये सारी बातें कि आज पिटारा का ब्लॉग आने वाला है और फिर ये भी बोलना कि गोंचू उधर पे है आप लोगों को क्या लगता है कि इसका बेटा बीमार रहेगा और ये उसको वहाँ पे रहने देंगी इतने दिन और वो खुद भी रह लेंगा जिस तरह से वो बच्चों की जिम्मेदारी लेके रखा है जिस तरह से वो बच्चों की केयर करता है जिस तरह से बच्चों का नौकर बना हुआ है आप लोगों को क्या लगता है कि वो रह लेगा बच्चा एडमिट है और वो वहाँ पे कौसर के साथ में रह रहा है तो ये बात से आप लोगों को अब यकीन आ गया होगा ये सारे प्रूफ से यकीन आ गया होगा कि ये सारा कुछ प्री प्लान ड्रामा हुआ है बहुत बड़ी बड़ी एक चीज़ को छुपाने के लिए झूठ बोला गया है इसने ये जताई है कि मल्लिका के दूसरे दिन ही गोंचू गांव चला गया फिर कल नज्जो का ये बोलना कि घोंचू इधर पे है फिर बेटे का एडमिट होने का दिखाना ये सारी चीज़ों से ही आप लोग समझ सकते हो कि कुछ तो भी दाल में काला है जो पिटारा छुपाने की कोशिश कर रही है और आप लोगों को वो वाला सीन याद होगा मतलब पिटारा खुद है ना कुछ ना कुछ अपने वीडियो में ऐसा दिखाती है कि फिर कोई इसके ऊपर बात करे अब बताओ कि जब ये गोंचू को और कौसर को टाटा कर रही थी तो बाहर अनिता नहीं थी हलीमा नहीं थी लेकिन हाँ रमजान था रमजान के साथ में टाइम स्पेंड करना रमजान के साथ में लगे रहना इसको कितना अच्छा लगता है ना फिर लोग बातें करेंगे तो इनको बुरा लग जाता है बाते कि बातें क्यों किए की खैर इसकी मर्जी है ये गंदी हो के ही मशहूर हुई है और गंदी हो के ही ये आगे भी मशहूर होते रहेंगी बाकी आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को ये बातें हजम हो रही है कि वो गांव में बैठा हुआ है जाके और ये बच्चे के पीछे हॉस्पिटल में परेशान है क्या लगता है आप लोगों को गोचू को ये छोड़ देंगी कि जा तू आराम कर गांव में हाँ सिंपति लेने के लिए वीडियो नहीं बना के छुपाना के गोचू तो फ़ौरन आ गया था क्योंकि मेरे बच्चे ने हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था मेरा बच्चा तो गोचू को तो मैंने एक दिन में रिटर्न बुला ली याद है ना गोन्चू की शादी हुई थी इसने बोली मेरी जान को खतरा है गोचू ने शादी के दूसरे दिन ही एंट्री कर दिया था इसके घर में तो सोचो तो खाली इसकी जान को कचरा बोल के जब ये बुला सकती है बच्चे का हॉस्पिटल में एडमिट होना छोटी बात तो नहीं है ना कि ये नहीं बुलाएंगी लेकिन हाँ भाई ये जताएंगी सिंपत्ति लेने के लिए ये जरूर जताएंगी कि हाँ मेरा बच्चा एडमिट था ना तो गोचू कौसर के साथ में गांव में बैठा हुआ था असल हकीकत ये है कि ना ही तो कौसर गई होगी ना ही तो गोचू गया होगा रही बात के इसने ऐसी वीडियो डाला उसने वैसी डाला उसने वैसी डाला तो भाई पूरा खानदान इसके हिसाब से चलता है तो क्यों नहीं डालेंगे लोग इसके हिसाब का वीडियो तो ये सारी बातों से ना समझ में आ जाता है कि कितना झूठ बोलती है कितना क्लिपें इधर उधर करती है और कितना ड्रामा करके लोगों को बेवकूफ़ बनाती है तो आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना मिलते नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़